एल साइन ओमेगा टी डी टी, इसे अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें मिलेगा माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा, अर्थात करंट बन जाएगा माइनस ई नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा एल इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब हम इस कॉस ऑफ ओमेगा टी को कह सकते हैं साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, क्योंकि कॉस थीटा होता है साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा या फिर साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा। यहां इस ओमेगा एल को हम कह सकते हैं रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर या फिर इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका और एक नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस। अर्थात हमारा इक्वेशन बन गया करंट किसी भी समय में इस सर्किट से बहता हुआ करंट ये होगा माइनस ई नॉट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर या इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसके लिए हम सिंबल यूज कर सकते हैं एक्स एल। अर्थात इंस्टेंटेनियस करंट किसी भी समय इस सर्किट का करंट का इक्वेशन रहा ये। अब यहां इस इक्वेशन में ध्यान देने वाली बात यह है कि करंट अगर होता E नॉट बाय इंडक्टिव रिएक्टेंस इनटू साइन का कोई भी फंक्शन, मैं इसे फाई कह रहा हूं, साइन ऑफ फाई, फाई ये पाई बाय टू माइनस ओमेगा टी है। चूंकि यहां साइन ऑफ फाई इसका वैल्यू वैरी करता है इस पूरे टर्म का वैल्यू, ये वन से लेके माइनस वन तक होता है। अर्थात जब साइन फाई का वैल्यू जब वन होगा तब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन मैक्सिमम होगा, और जब इसका वैल्यू मैथमेटिकली देखें जब इसका वैल्यू माइनस वन होगा तब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन सबसे कम होगा। लेकिन फिजिक्स के टर्म में यहां देखें इस स्थिति में हम किसे इवेल्युएट कर रहे हैं, आई को। आई कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, आई एक स्केलर क्वांटिटी है। अब करंट मान लीजिए इसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड चलिए मान लेते हैं 2 एम्पियर है। अब करंट 2 एम्पियर अगर बाएं से दाएं फ्लो करे और अगर वही 2 एम्पियर करंट दाहिने से बाएं फ्लो करे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका आउटपुट या रिजल्ट बिल्कुल सेम होता है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। सो जब साइन फाई का वैल्यू माइनस वन तब भी हम मानेंगे यहां पर आई मैक्सिमम है, अर्थात आई का वैल्यू 2 एम्पियर अगर हो और हम क्लॉकवाइज पॉजिटिव मान रहे हैं तो 2 एम्पियर अगर